को जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं हम तो थे ही नहीं वहां पर। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। जम्मू में 29 असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पर कांग्रेस जीतती है, तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई, उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्ष भड़क गया, क्योंकि जहां रुझानों को देखते हुए कांग्रेस जश्न मना रही थी, तो वहीं रात तक तस्वीरें बदल गईं और भाजपा को हरियाणा में जीत के साथ जम्मू में भी मिली उम्मीद से ज्यादा सीटें। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से निराशा जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल निशाना नहीं है भाई, मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप? मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था, असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई। तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, मगर इतने बड़े बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था, बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हारा पाएंगे बीजेपी को, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पर कांग्रेस जीतती है, तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है, तो मतलब जो ये 5 MLA नहीं, इस पांच सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट उसका खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई, उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे, तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते,
उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना, ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे अख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप, ये कैसे होगा बताइए। उसूलन इखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का भी है तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक सीट जीती। ये चीजों को देखने की जरूरत है। कश्मीर छोड़ दी वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपोगंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर वो सब जीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है।